पहले, कुछ ही देर पहले मैं आप लोगों से लाइव मिलने ज़रूर आऊँगी और किस तरह से गुजरात वर्सेस राजस्थान यहाँ तक पहुँची। बहुत ही मेहनत करी है राजस्थान ने, गुजरात ने कम मेहनत नहीं करी है। शेन वॉन को ट्रिब्यूट देने के लिए राजस्थान पहुंच गई है फाइनल्स में और गुजरात जो है पहली बार आई और पहली बारी में ही फाइनल्स की बाजी लगा ली। तो किस तरह से ये मैच रहेगा इस विषय में हम डिस्कस करेंगे आज। और साथ साथ जितने भी व्यूअर्स इस समय पर मुझे देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी IPL से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम हेयर टू गिव यू आंसर। तो कमेंट्स मैं देख पा रही हूँ, लोग कमेंट कर रहे हैं। ओके, आपको मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, आई एम ऑडिबल, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जो हैं इस लाइव सेशन पे जुड़ रहे हैं एंड बहुत ओके। थैंक यू सो मच संजय जी। संजय जी हमने बताया है वॉइस आ रही है, ओके क्लियर है, ठीक है। तो लाइव सेशन में आप जो हैं क्वेश्चंस कर सकते हैं IPL से रिलेटेड जानकारी के लिए, और इस सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी देखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाइस टैटू नरेश जी ने किया है। गुड इवनिंग टू ऑल भरत कुमार और बहुत सारे लोग जो हैं इस समय पे जुड़ रहे हैं। ओके, थैंक यू प्रदीप जी। बिल्कुल IPL का नेक्स्ट सेशन हम ज़रूर करेंगे। IPL 2023 मुझे भी बहुत इंतज़ार है, बहुत प्यार मिलता है आप सभी का। मगर इस समय पर जो है IPL ख़त्म होगा तो स्पोर्ट्स से तो जुड़े ही रहना है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सीरीज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स आए हैं कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियोस पे कि आपको जो है सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, T20 की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए ICC की। तो ज़रूर मैं उस पर वर्क करूँगी, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग न्यू सीरीज़ फॉर यू। बाकी जो है, हाँ, आवाज़ इसलिए कम आ रही है क्योंकि मैं कम ही बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ। आज देखिए मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर देखा जाए तो जो मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, अब क्या होता है कि कभी जो बिल्कुल भारत जी बिल्कुल हम T20 ब्लास्ट स्टार्ट ज़रूर करेंगे। क्या होता है कि जो लोग वीडियोस देखते हैं रेगुलरली वो कहीं ना कहीं कमेंट्स करते हैं ये आज आप की जो प्रेडिक्शन है वो ठीक नहीं रही है या वो प्रेडिक्शन जो है अच्छी रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। मगर ये चीज़ मैं आपको परफेक्टली बता दूँ, आप किसी भी चैनल पर चले जाइए, मैच अगर फिक्स्ड है वो एक अलग बात है, उस चीज़ पे हम वर्क नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल भी उस तरह से वर्क नहीं करती हूँ। मैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग जो है मैच को प्रेडिक्ट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस बिल्कुल होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सितारे बदलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूँ। और इसके अलावा जो है प्रेडिक्शंस में कभी अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, 11 खिलाड़ी तो होते ही हैं एक टीम में, मगर इसके अलावा भी जो दो टीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग 22 प्लेयर्स जाते हैं, फिर इसके अलावा भी जो होते हैं प्लेयर्स उनकी भी होती है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान की कुंडली प्रोटेक्ट करना हर एक मैच के लिए पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं सराहते हैं इस चीज़ के लिए कि आप प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है। यहाँ पे अगर हम बात करें आज के मैच की, गुजरात टाइटन्स वर्सेज राजस्थान, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखी हो तो मैंने उसी टाइम पर ही बोला था कि जो गुजरात है, गुजरात को हम फाइनल बिल्कुल
देखेंगे। और कहीं ना कहीं फर्स्ट थ्री में डिज़र्व करती थी लखनऊ, राजस्थान और गुजरात ही, मैंने उसी टाइम पे बोला था। अगर आप सबने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो शुरू से, अगर 26 मार्च से आप लोग जुड़े हुए हों तो आप उस टाइम से भी देख सकते हैं। मगर हाँ, यहाँ पर मैं कहूँगी कि एट लास्ट राजस्थान तो आ ही गई है, गुजरात के आमने सामने है। और बिल्कुल मैं ड्रीम इलेवन भी बताऊंगी आप सबको। ड्रीम इलेवन के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बट डेली बताना पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल आपको बताएंगे हम। तो क्या होता है कि हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुजरात वर्सेस राजस्थान, इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। मगर यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, ऑरेंज कैप होल्डर, पर्पल कैप होल्डर जोस बटलर और कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल, बहुत ही बेहतर इनका प्रदर्शन रहा है, क्या ही कहने राजस्थान के बॉलिंग के दम पे, बैटिंग के दम पे। और लास्ट जो मैच रहा, जो आरसीबी से निकाला है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने मैच निकाला है। तो मेरे को, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं वॉइस आ रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आप तक मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं, एटलीस्ट मैं जान पाऊँ। तो अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अपने दम पे बैटिंग बॉलिंग के दम पे आई है एक ही बार मैच। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है राजस्थान रॉयल्स अपने बैटिंग के बॉलिंग के दोनों के दम पे आई है, क्योंकि एक टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए राजस्थान रॉयल्स को बिल्कुल जो है जीतना बनता है। एक ही आईपीएल जीती है 2008, उसके बाद जो है 2008 के बाद आईपीएल नहीं जीती है। हाँ, स्लो आ रही होगी मेरी वॉइस, मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है आप सबसे बात करने के लिए, डायरेक्ट मैं नहीं इस समय पे बोल रही हूँ। तो राजस्थान रॉयल्स जो है कहीं ना कहीं डिज़र्व करती है। शेन वॉन भी चले गए, फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स राजस्थान ने इस समय पर फेस किए हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान डिज़र्व करती है जीतना। मगर यहाँ पे अगर हम एज़ कम्पेयर टू गुजरात टाइटन्स देखें, तो गुजरात टाइटन्स, थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे गुजरात टाइटन्स की बात करें, फर्स्ट मतलब फर्स्ट सीज़न है, पहली बार आई है और पहली बार ही फाइनल्स तक पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है एक तो। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करें, तो हार्दिक पांड्या के इस समय पे सितारे बहुत बुलंद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हार्दिक पांड्या को मिली कि यहाँ तक जो है हार्दिक पांड्या आए, कैप्टनसी मिली, कैप्टनसी का मौका मिला और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटन्स को यहाँ तक लेकर आए। हालांकि केएल राहुल की कैप्टनसी पे हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि बिल्कुल एलएसजी और गुजरात टाइटन्स दोनों ही पहली बार इस सीज़न में खेली थी और दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ तक आई हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें, ठीक है हार हो गए, जो आरसीबी से मैच हुआ था लास्ट, उससे बाहर हो गए, एलिमिनेट हो गए, बट यहाँ तक भी आना बहुत बड़ी बात होती है। आरसीबी आज तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, हालांकि लास्ट मैच में देखने को मिला कि आरसीबी जो है राजस्थान से हार गई है। आरसीबी हो सकती थी यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता था कि आरसीबी डिजर्विंग है, मुंबई इंडियंस की वजह से आरसीबी यहाँ पे आई। तो इसलिए राजस्थान तो शुरू से ही डिजर्विंग थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बट यहाँ पे गुजरात टाइटन्स भी मैं डिजर्विंग ही कहूँगी, क्योंकि गुजरात टाइटन्स में जो प्लेयर्स हैं, अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो दोनों ही टीम्स में दिग्गज प्लेयर्स हैं। वृद्धिमान साहा अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एक एक प्लेयर की बात करेंगे, मेनली एक एक प्लेयर की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पे अगर हम रिद्धिमान साहा की बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी बात करेंगे, पहले बात कर रहे हैं गुजरात की, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो रिद्धिमान साहा की डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1984, टोटल बन रहा है 2। तो रिद्धिमान साहा का परफॉर्मेंस आज ओके रह सकता है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, बट हाँ डेफिनेटली ये अपना आज बल्ला घुमाएंगे, प्रदर्शन दिखाएंगे, काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। वहीं पर शुभमन गिल की बात करें, बहुत लंबे समय से शुभमन गिल हमें नहीं फॉर्म में दिखे हैं, या यूँ कह लें कि हमें इस सीरीज़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। तो शुभमन गिल की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल की डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 1999 है, टोटल 9 बन रहा है। आज का अगर डेट देखें 29 मई 2022, टोटल बन रहा है, राहु का नंबर बन रहा है, दो नंबर तो डेट का बन रहा है 29, 2 एंड 9 प्लस 2 तो 11 बन रहा है, दैट इज़ 2। और अगर हम टोटल जोड़ते हैं 29th मई 2022 तो टोटल बनता है 4,
तो कहीं ना कहीं राहु का नंबर बन रहा है वहीं पे। इनका शुभमन गिल का जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है यानी डेस्टिनी नंबर है 9 है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि शुभमन गिल के लिए आज बहुत ज़्यादा जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत रहेगी इनके लिए। और कहीं ना कहीं अगर शुभमन गिल की हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है आई होप कि आप सबको अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो है शुभमन गिल का अब जो है इस समय पे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, हालांकि अगर देखा जाए तो कर सकते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी हार्ड वर्क की नीड है यहाँ पे शुभमन गिल को। मैथ्यूज़ वेट की बात करेंगे, मैथ्यूज़ वेट की बात करेंगे 26 नवंबर 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है, टोटल जो है 8 बन रहा है यानी शनि का बन रहा है। मैथ्यूज़ वेट के लिए मैं कहूँगी कि आज गुजरात टाइटन्स जो है गुजरात टाइटन्स से मैथ्यूज़ वेट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, हमें नज़र आएंगे प्रदर्शन दिखाते हुए। और यहाँ पे अगर हम डेविड मिलर की बात करें, लास्ट मैच में 3 बॉल में 3 छक्के, कमाल की बात बारी थी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ डेविड मिलर के लिए, डेविड मिलर यहाँ पर राजस्थान के लिए डेंजरस हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर डेविड मिलर की बात करें, किलर मिलर बोलते हैं इनको। और कहीं ना कहीं अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 10 जून 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 10 जून 1989 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो कहीं ना कहीं इनका जो परफॉर्मेंस आज का रहेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। यहाँ पर अगर टोटल देख के चलें तो 7 बन रहा है यानी केतु का नंबर बन रहा है, और अगर हम यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो डेविड मिलर जो है बहुत अच्छा आज के दिन परफॉर्मेंस देंगे, काफ़ी सपोर्टिव मुझे दिख रहा है डेविड मिलर का परफॉर्मेंस गुजरात टाइटन्स के लिए, तो काफ़ी हद तक जो है बेहतर इनका आज का प्रदर्शन रह सकता है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है, और वहीं पे कैप्टनसी की वजह से कह लें या अपनी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से कह लें तो बहुत अच्छा इनका रहा है, कमाल का प्रदर्शन रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल जो हार्दिक पांड्या हैं इनकी पारी आज बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इनका भी जो टोटल बन रहा है 7 बन रहा है यानी अगर केतु का नंबर बन रहा है, 11 अक्टूबर 1993 इनका टोटल है तो केतु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो है हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और साथ साथ जो मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे मुझे गुजरात। मगर चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राहुल तेवतिया की, राहुल तेवतिया की परफॉर्मेंस की बात करें बहुत ही बेहतर रहेगा राहुल तेवतिया का परफॉर्मेंस। 2 20 मई 1993 है इनकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख करके चले तो बहुत ही बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे राशिद खान की, क्योंकि देखिए इनकी डेस्टिनी नंबर बन रहा है, टोटल बन रहा है दैट इज़ 2, एंड 2 इज़ वेरी फेवरेबल क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4 आज का टोटल है और आज का नंबर भी 2 है यानी 29th। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का जो मैच रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही दमदार रहेगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात जो है मुझे आज ज़्यादा दमदार नज़र आ रही है, बाकी देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे मोहम्मद शमी की, तो शमी जो है मोहम्मद शमी कहीं ना कहीं इनका 3 सितंबर 1990 का वो है इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1990 का है, टोटल 4 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी अगर परफॉर्मेंस देख करके चलें तो बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहेगा। यानी अगर हम ऑल ओवर टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात इस समय पे बहुत स्ट्रांग हमें दिख रही है कि बहुत स्ट्रांग गुजरात रहेगी। यहाँ पे चलिए बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, 28 दिसंबर 2001, 7 नंबर है।
केतु और राहु की दोस्ती होती है आपस में, तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल हो गए, फिर जोस बटलर हो गए, अगेन जोस बटलर के लिए कहूँगी, मगर हाँ यहाँ पे जोस बटलर थोड़ा सा जो है कम परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिस तरह से हमें लास्ट मैच में दिखे, मुझे नहीं लगता उस हिसाब से जोस बटलर इस बार दिखेंगे, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जोस बटलर की परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। वहीं पर अगर हम संजू सैमसन की बात करें, संजू सैमसन जो कि कैप्टन है, कैप्टन के ऊपर ही ऑल ओवर टीम डिपेंड होती है। जैसे हम भारत की कुंडली देखते हैं, भारत की कुंडली हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर हम संजू सैमसन को यहाँ पे रख करके चलें तो 50-50 के चांसेस बन सकते हैं बिल्कुल राजस्थान के, क्योंकि संजू सैमसन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 11 नवंबर। अब यहाँ पे देखिए 11 नवंबर जो है बनता है 2, यानी 11th अगर देखें तो 2 बनेगा, और वहीं पे अगर हम ये देख करके चलें टोटल डेस्टिनी नंबर 11 नवंबर 1994 को देख कर चलें, तो कहीं ना कहीं इस समय पर 9 बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा संजू सैमसन के लिए ये मैच टफ हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस समय पर संजू सैमसन को जो है संजू सैमसन को जो है परफॉर्मेंस ज़रूर देना है ये समय पर, और कहीं ना कहीं अगर जीतना है तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। मगर वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे शिमरन हेटमेयर की, तो शिमरन हेटमेयर मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम रियान पराग की बात करें, तो रियान पराग का जो हम डेस्टिनी नंबर की बात करें 6 है, तो 6 जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि चल सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। शुक्र का नंबर है आज का जो है कि राहु का बन रहा है। यहाँ पे रविचंद्र अश्विन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लाइकली, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा कम चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। मगर यहाँ पे हाँ यूवी चहर और अबे मैकॉय जो है बहुत अच्छा आज के दिन परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स जो हैं बेहतर रहेंगे। चलिए बात करेंगे फैंटेसी 11 की, कि फैंटेसी 11 में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। तो जोस बटलर मैं कहूँगी फैंटेसी के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वृद्धिमान साहा को ले सकते हैं, और संजू सैमसन को आप ले सकते हैं, मैथ्यूज़ वेट को आप ले सकते हैं फैंटेसी में। डेविड मिलर को मैंने कैप्टन रखा है क्योंकि मुझे लगता है आज डेविड मिलर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और शुभमन गिल को मैंने यहाँ पे अपनी फैंटेसी में रखा है। शिमरन हेटमेयर, हार्दिक पांड्या जो है, जो हार्दिक पांड्या हैं वो वाइस कैप्टन हैं मेरी फैंटेसी के, आप भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और राशिद खान, राशिद खान को अगर वाइस कैप्टनसी अगर आप देते हैं तो कोई गलत डिसीजन नहीं होगा, दे सकते हैं बिल्कुल। विनर की हम बिल्कुल बात करेंगे, मगर यहाँ पे फैंटेसी हमने डिस्कस करी है, और नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपसे बात करेंगे। आईपीएल जब ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर आपके लिए एक छोटा सा लाइव ज़रूर लेकर के आएंगे कि किस तरह से रहा और बहुत मेहनत करी इन 2 महीनों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये रहती थी कंप्लेंट्स हमारे व्यूअर्स की कि मैचेस जो हैं बीच में कट हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली नहीं आते, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो आपके लिए इस सीज़न में कंसिस्टेंसी बना करके रखी है, मैचेस डेली लेकर के आए हैं आपके लिए, और होपफुली इन फ्यूचर भी आपके लिए ऐसे ही काम करेंगे, आपका प्यार इतना मिलता है। तो चलिए इस लाइव सेशन को यहाँ पे अंत करेंगे, मगर हाँ अंत करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि आज जो मेरी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है, गुजरात टाइटन्स मुझे लग रही है हो सकती है, बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने वीडियो भी अपनी अपलोड करी है, अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं रिलेटेड आईपीएल फाइनल्स, तो आप जो है मेरी यूट्यूब चैनल पे जा करके वीडियो जो है आईपीएल फाइनल्स की, उस पर भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स इस समय मुझे देख रहे हैं, बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं कौशिक करिश्मा अंडरस्कोर ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पे आप मुझे मेरे पेज को लाइक ज़रूर करें, और साथ साथ
यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूले। वाइटलिटी T20 जो है, मैं बिल्कुल इस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी, मगर मेरे हिसाब से वाइटलिटी जो है ऑलमोस्ट अपने फाइनल्स की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जैसे IPL शुरू से स्टार्ट हुआ, तो जो अब सीरीज़ अपकमिंग है, जो अब स्टार्ट होंगी, हम उनसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नया स्टार्टअप जो है नई एनर्जी क्रिएट करता है, लास्ट में जाकर के मज़ा नहीं आता। तो मैं चाहूँगी यहाँ पे जो नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि T20 ब्लास्ट शुरू हो रहा है, ICC T20 शुरू हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पर हम डेफिनेटली वर्क करेंगे और आपके लिए वीडियोज़ ज़रूर लेकर के आएंगे। बस इसी तरह से प्यार देते रहिए और इसी तरह से जो है हमें कमेंट्स करते रहिए। लाइव सेशंस में आपके लिए डेफिनेटली लेकर के आया करूँगी, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने के लिए, ज्योतिष के ज्ञान से जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। और फिलहाल के लिए आप सभी दर्शकों से लूँगी इजाज़त। बहुत सारे लोग इस समय पर देख रहे हैं, बिल्कुल जाने का मन नहीं है, मगर इस समय पर और भी बहुत सारे IPL से जुड़े हुए काम करने हैं, तो आप सभी दर्शकों से मैं इजाज़त लूँगी और जुड़ते हैं बहुत ही जल्द एक बार फिर से एक नए लाइव सेशन के साथ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस लेकर के आने की, और मैंने वहाँ पर भी प्रेडिक्शंस डाली हैं। गुजरात टाइटंस इन माय व्यूज़ टुनाइट्स विनर। आज इस बार जो है गुजरात टाइटंस मुझे लग रहा है 2022 IPL कप उठा सकती है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, इसलिए नेवी ब्लू भी पहना है गुजरात के लिए। चलिए तो यहाँ पे लाइव सेशन को अंत करेंगे। हाँ, मैं आप सबसे ये कह रही थी कि इंस्टाग्राम पे जो है मैंने वीडियोस डाली हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वहाँ पे भी मैं अपडेट जो है करती रहती हूँ वीडियोस, तो उस पर आप कीजिए। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़ लाइव सेशन छोड़ दीजिए, बट ऐसे वर्ड्स बिल्कुल मैं अवॉइड करती हूँ, ये वर्ड्स आपको नहीं बोलने चाहिए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हिमांशु जी का मैसेज आ रहा है, हिमांशु सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम ID बता दो। कौशिक करिश्मा _official के नाम से है, लिंक्स में ज़रूर होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक्स में आपको इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ मिलेगा, ट्विटर पर मिलेगा, और आपको वहाँ पे लिंक्डइन भी मिलेगा, हर चीज़ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिए। चलिए फिलहाल के लिए मैं आप सभी दर्शकों से लूँगी इजाज़त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। नमस्कार, जय श्री राधे।